दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कथा बताने जा रहा हूं जिसमें एक रानी ने कलयुग के कारण दूसरी बार अपना स्वयंवर खुद रचा और हमारे धर्म ग्रंथों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पौराणिक काल में निषद देश के वीर सेन पुत्र नल नाम के एक राजा हुआ करते थे। रूप और गुण से परिपूर्ण होने के साथ साथ वे सभी तरह के अस्त्रों शस्त्रों में निपुण थे। उनमें सिर्फ एक बुरी आदत थी, वह थी कि उन्हें जुआ खेलने का थोड़ा शौक था। उसी काल में विधवा देश पर दीमक नाम के एक राजा का राज्य था। ऐसा माना जाता है कि वे भी नल के ही समान सर्वगुण संपन्न थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनसे वरदान के रूप में चार संतानें प्राप्त की थीं, जिसमें से तीन पुत्र और एक कन्या थी। पुत्रों के नाम थे दम, दांत व दमन, और पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती देवी लक्ष्मी के समान ही रूपवती थी। ऐसा भी माना जाता है कि उस समय तीनों लोकों में दमयंती के समान कोई भी कन्या रूपवती नहीं थी। एक दिन की बात है कि राजा नल अपने राजमहल के उद्यान में टहल रहे थे, उसी समय उनकी नजर कुछ हंसों पर पड़ी। उसमें से एक हंस बहुत ही सुंदर था, जिसे उन्होंने पकड़ लिया। तब हंस ने राजा नल से कहा, हे राजन, अगर आप मुझे छोड़ दें तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपसे ही विवाह करेगी। राजा नल भी दमयंती के रूप की चर्चा पहले ही अपने दरबारियों के मुख से सुन चुके थे और मन ही मन वह दमयंती को पाने की चाहत भी रखते थे। वे उससे विवाह करना चाहते थे। हंस की बातें सुनकर उन्होंने हंस को छोड़ दिया। इसके बाद वह सब हंस उड़कर राजकुमारी दमयंती के पास गए। दमयंती उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। वह हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। दमयंती ने जिस हंस को पकड़ा वह हंस बोल उठा, हे रानी, दमयंती निषद देश का एक नल नाम का राजा है। वह राजा बहुत ही सुंदर है, मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई भी नहीं। वह मानो साक्षात कामदेव का ही स्वरूप हो। यदि तुम उनसे विवाह कर लो तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएगा। जैसे तुम स्त्रियों में सबसे रूपवती हो, वैसे ही राजा नल पुरुषों में सबसे सुंदर है। तुम दोनों की जोड़ी उत्तम रहेगी। हंसों की यह बातें सुनकर दमयंती के मन में भी राजा नल से भेंट की लालसा जाग उठी। इसके बाद दमयंती ने कहा, प्रिय हंस, तुम राजा नल तक मेरा प्रेम संदेश पहुंचा दूं। फिर हंस ने लौटकर राजा नल को दमयंती का संदेश भी दिया। इधर दमयंती रात दिन राजा नल का ही ध्यान करती रहती। वह उनसे मिलने को व्याकुल हो रही थी, लेकिन उसे सूझ नहीं रहा था कि वह कैसे भेंट करे। नल के वियोग में दमयंती का शरीर धूमिल और दुबला होता गया। वह कमजोर सी दिखने लगी। जब ये बात उसकी सहेलियों को मालूम पड़ी तो सहेलियों ने राजा से जाकर सारी बात बता दी। परंतु राजा दमयंती की सहेलियों की बात समझ नहीं पाए और उन्होंने सोचा कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। कुछ दिनों बाद दमयंती के पिता ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें सभी देशों के राजा को स्वयंवर के लिए बुलाया गया। स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देश के राजा वहां पहुंचने लगे। उधर जब देवर्षि नारद से सभी देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिला तो इंद्र और सभी लोकपाल भी विधिवत देश के लिए रवाना हुए। राजा नल को भी संदेशा भेजा गया तो वे भी दमयंती के स्वयंवर के लिए विधिवत की ओर चल पड़े। नल के रूप को देखकर इंद्र ने रास्ते में ही अपने विमान को खड़ा कर दिया। अपनी राह में राजा नल ने जब सभी देवताओं को देखा तो अपने रथ से नीचे उतरकर उन सबको प्रणाम किया। फिर इंद्र ने राजा नल से कहा, राजा नल अब बहुत ही रूपवान और गुणवान है, कृपा करके आप हम लोगों के दूत बन जाइए। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाएं और कहें कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम जिसे चाहो उस देवता को अपना पति स्वीकार कर लो। यह सुनने के बाद राजा नल ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, हे देवराज, मैं आपका दूत बनकर वहां कैसे जा सकता हूं? मेरा और आप लोगों का वहां जाने का एक ही उद्देश्य है, इसीलिए मैं आपका दूत बनकर वहां नहीं जा सकता। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए। देवताओं ने कहा, नल, तुम देवताओं का कहां टाल रहे हो, फिर सोच लो। तत्पश्चात राजा नल देवताओं के दूत बनने को तैयार हो गए और उन्होंने इंद्र की आज्ञा से राजमहल में प्रवेश किया। दमयंती और उसकी सहेलियां भी नल के रूप को देखकर मुग्ध हो गईं और शर्म के मारे कुछ न बोल सकी। तभी नल ने कहा, मैं नल हूं,
और लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूं। दमयंती, स्वर्ग के देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम किसी भी एक देवता को चुन लो और विवाह कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। उन देवताओं के प्रभाव से जब मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया तो मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने तुमसे देवताओं का संदेश कह दिया है, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। दमयंती ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम किया और मंद मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, मैं तो आपको ही अपना सर्वस्व मानकर खुद को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूं। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी है तब से मैं आपके लिए व्याकुल हूं। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगी तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। दमयंती के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा नल ने कहा, हे देवी, जब बड़े बड़े लोकपाल आपसे शादी करना चाहते हैं तो फिर आप मुझ मनुष्य से क्यों शादी करना चाहती हैं? मैं तो इन देवताओं की चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। आप उन्हीं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए। देवताओं का अप्रिय करने पर इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, अतः आप मेरी रक्षा करें और उनको वरण कर लें। नल की यह बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और वह कप कपाते स्वर में बोली, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं आपको ही पति के रूप में वरण करूंगी। तब राजा नल ने कहा, परंतु इस समय मैं यहां देवताओं का दूत बनकर आया हूं। अगर इस समय मैं अपने स्वार्थ की बात करने लगूं तो यह बात सही नहीं होगी। मैं तुमसे विवाह कर सकता हूं, लेकिन जब वह धर्म के विरुद्ध ना हो। यह सुन दमयंती मुस्कुरा उठी और बोली, हे राजन, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न होगा। उपाय यह है कि आप सभी लोकपालों के साथ स्वयंवर मंडप में आए, मैं आपको वर लूंगी। राजा नल वापस देवताओं के समक्ष पहुंचा। देवताओं के पूछने पर उन्होंने बताया, मैं दमयंती के पास तो दूत बनकर गया था, लेकिन वह और उसकी सखियां सभी मुझ पर मोहित हो गई और आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बाद भी वे मुझे ही वरण करने पर तुली हैं। कुछ समय बाद स्वयंवर की घड़ी आ गई। राजा भीष्मक ने सभी को स्वयंवर सभा में बुलाया। सभी राजा अपने अपने निवास स्थान पर आकर बैठ गए। तभी दमयंती भी आ गई। सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। दमयंती एक एक को देखकर आगे बढ़ने लगी। तभी उसी कतार में दमयंती को एक ही स्थान पर नल के समान की वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। ये देखकर दमयंती हैरान हो गई और मन ही मन विचारने लगी कि इन 5 में से राजा नल को कैसे पहचाने। वह समझ गई कि यह देवताओं की माया है और अंत में दमयंती ने निश्चय किया कि इस समस्या से बाहर निकलने के लिए वह देवताओं से ही सहायता मांगेगी। फिर अपने हाथ जोड़कर वह देवताओं की स्तुति करने लगी। हे देवताओं, हंसों के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें पति के रूप में वरण कर लिया है और उसी को पाने के लिए मैंने यह स्तुति शुरू की है। कृपया कर आप लोग अपने साक्षात रूप में प्रकट हो जाएं, जिससे मैं राजा नल को पहचान सकूं। दमयंती के दृढ़ निश्चय को देखकर देवताओं ने उसे ऐसी शक्ति दी जिससे वह देवता और मनुष्य में अंतर कर सके। तत्पश्चात दमयंती ने राजा नल के गले में माला डालकर उसे वरण कर लिया। उसके बाद जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौटकर इंद्र व अन्य लोकपाल अपने अपने लोकों को जा रहे थे, उस समय उनकी मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से भेंट हो गई। इंद्र ने पूछा, कलयुग कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। फिर इंद्र ने बताया, अरे, स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल का वरण कर लिया, हम लोग देखते ही रह गए। ये सुनकर कलयुग को क्रोध आ गया और वह बोला, यह तो अनर्थ हो गया। उसने देवताओं का अपमान किया है, इसीलिए उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। तभी देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल को वरण किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य है। वे धर्म के बड़े झांता भी हैं, इसीलिए उसको शाप देना नरक में धधकती आग में गिरने के समान है। यह कहकर देवता तो उस स्थान से चले गए, लेकिन कलयुग और द्वापर इसी विषय पर बात करते रहे। कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा और उसे मैं राज्य विहीन कर दूंगा।
उस स्थिति में वे दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। उसे जुए का बड़ा शौक है, इसीलिए तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। द्वापर ने भी उसकी बात मान ली। इसके बाद द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी पहुंचे, लेकिन कलयुग को नल के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। वह सिर्फ एक अवसर चाहता था, नल के शरीर में घुसने का। इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन कलयुग कुछ न कर पाया। फिर 12 वर्ष पश्चात एक दिन राजा नल संध्या के समय लघुशंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इसके बाद कलयुग दूसरा रूप धारण कर पुष्कर के पास गया और बोला, तुम नल के साथ जुआ खेलो, मैं वचन देता हूं मैं निषादराज जी को जीतने में तुम्हारी मदद करूंगा। पुष्कर ने कलयुग की बात मानी और नल के पास गया। द्वापर में पासे का रूप धारण कर उसके साथ चल पड़ा। जब पुष्कर ने राजा नल को जुआ खेलने के लिए ललकारा, तो राजा नल दमयंती के सामने उसकी ललकार सह न सके। उन्होंने पासे खेलने का निश्चय किया। फिर जुए का खेल प्रारंभ हुआ। उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था और पासों में द्वापर था, इसीलिए नल जो कुछ भी जुए में लगाते वह हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने राजा को रोकना चाहा, लेकिन जब वे नहीं माने तो मंत्रियों ने द्वारपाल को रानी दमयंती तक राजा को रोकने का संदेश पहुंचाया। तब दमयंती ने राजा नल से कहा, हे स्वामी, आपकी पूरी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुई जा रही है। इतना कहकर दमयंती भी रोने लगी, लेकिन राजा नल कलयुग के प्रभाव में होने के कारण उसकी एक बात भी नहीं सुन रहे थे और जुआ खेलते रहे। चूंकि द्वापर का पासों पर नियंत्रण था, इसलिए राजा नल जो भी पासे फेंकते वह उनके प्रतिकूल ही पड़ते। जब दमयंती ने यह सब देखा तो राजा नल के सारथी वार्ष्णेय को बुलाया। उन्होंने उससे कहा, हे सारथी, अब यह बात तुमसे छिपी नहीं है कि महाराज बहुत संकट में हैं। तुम तुरंत रथ जोड़ लो और मेरे बच्चों को रथ में बिठाकर कुंड नगर छोड़ आओ। इसके बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा धन जुए में जीत लिया और बोला, क्या तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ और भी है? अगर तुम दमयंती को दांव पर लगाने के लायक समझो तो उसे भी लगा सकते हो। लेकिन राजा नल ने दमयंती को दांव पर नहीं लगाया। जुए में सब कुछ हारने के बाद राजा नल और दमयंती जंगल जंगल भटकने लगे। कभी कभी तो उन्हें भोजन भी नसीब नहीं होता था। एक दिन राजा नल ने देखा कि कई पक्षी उनके पास आकर बैठ गए। उन पक्षियों के पंख खाली सोने के समान दमक रहे थे। नल ने सोचा कि अगर मैं इन पक्षियों के पंख प्राप्त कर लूं तो इनसे कुछ धन मिल सकता है। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपने पहने हुए वस्त्र डाल दिए, लेकिन पक्षी उनके वस्त्र लेकर उड़ गया। वह असल में पक्षी नहीं, जुए के पासे थे, जो राजा से वह राजसी वस्त्र भी लेने आए थे जो उन्होंने जुए में अपने राज्य के साथ हरा दिए थे। नल अब नंगे होकर बड़ी ही दीनता के साथ ऊपर देखता हुआ खड़ा हो गया। मायूस होकर वह दमयंती के पास पहुंचा और उसे सामने के मार्ग दिखाने लगा। दमयंती, तुम देख रही हो, यहां बहुत से रास्ते हैं। एक अवनती की ओर जाता है, दूसरा पर्वत होकर दक्षिण देश को, सामने विंध्याचल पर्वत है, ये प्रयोजनीय नदी समुद्र में मिलती है और यह कौशल देश का मार्ग है। राजा नल की दीनता और लाचारी देखकर दमयंती की आंखें आंसुओं से भर गई। दमयंती ने राजा नल से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूं? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना चाहती हूं। दुख में आपका साथ देना मेरा पहला धर्म है। वे धैर्य देकर पति के दुख को थोड़ा कम करती हैं। उस समय नल के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं। दमयंती भी उनके साथ यह सारे दुख झेल रही थी। दोनों जमीन पर ही सो गए। कुछ देर बाद दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूटी तो वे सोचने लगे कि दमयंती मुझसे बड़ा प्रेम करती है, प्रेम के कारण ही उसे इतना दुख झेलना पड़ रहा है। फिर राजा नल ने सोचा कि यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे इन दुखों से राहत मिल जाए। यह सोचकर नल ने दमयंती के शरीर का आधा वस्त्र फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयंती गहरी निद्रा में थी और राजा नल उसे छोड़कर निकल गए। दरअसल शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण राजा नल की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसीलिए वह अपनी पत्नी को वन में अकेला छोड़कर वहां से चले गए।
जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। यह देखकर वह चौंक गई और राजा नल को पुकारने लगी। जब दमयंती को राजा नल बहुत देर तक दिखाई नहीं पड़े तो वह जोर जोर से रोने लगी और भटकती भटकती जंगल के बीचों बीच जा पहुंची। वहां एक बड़े से अजगर ने दमयंती पर हमला कर दिया। दमयंती मदद के लिए चिल्लाने लगी। तब उसके स्वर एक व्याध के कान में पड़े। वह उधर ही घूम रहा था। वह दौड़कर वहां आया और यह देखकर कि दमयंती को अजगर निगल रहा है, अपने तेज शस्त्र से उसने अजगर का मुंह चीर डाला। फिर उसने दमयंती को अजगर से छुड़ाकर सांत्वना देकर भोजन करवाया। तत्पश्चात जब दमयंती कुछ शांत हुई तो व्याध ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? किस कष्ट में पड़कर किस उद्देश्य से तुम यहां आई हो? दमयंती की सुंदरता, बोलचाल और मनोहरता देखकर व्याध मोहित हो चुका था। वह दमयंती से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने वश में करने की कोशिश करने लगा। दमयंती उसके मन के भाव को समझ गई। दमयंती ने उसकी वासना को बहुत रोकना चाहा, लेकिन जब वह किसी भी प्रकार से नहीं माना तो उसने उसे शाप दे दिया कि मैंने राजा नल के अलावा किसी और का भी चिंतन कभी नहीं किया, और अगर यह सत्य हो तो यह व्याध अभी मरकर गिर पड़े। दमयंती के इतना कहते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। व्याध के मर जाने के बाद दमयंती इस निर्जन और भयंकर वन में फिर अकेली हो चुकी थी। इसके बाद वह राजा नल का पता पूछती हुई उत्तर की ओर बढ़ने लगी। इसी तरह उसे भटकते भटकते 3 दिन और 3 रातें बीत गई और फिर वह अगले दिन शाम के समय राजा सुबाहु के राज्य जा पहुंची। वहां उसे सब पागल समझ रहे थे, बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। तभी उस राज्य की राजमाता की नजर दमयंती पर पड़ी। राजमाता ने अपनी दासी से कहा, देखो तो वह स्त्री बहुत दुखी मालूम होती है, तुम उसके पास जाओ और उसे मेरे पास लाओ। दासी दमयंती को रानी के पास ले आई। रानी ने दमयंती से पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो और ऐसे घूमते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? दमयंती ने जवाब दिया कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मैं कुलीन हूं और राजा की धर्मपत्नी हूं। तब रानी ने कहा, ठीक है तुम महल में ही रह जाओ। तब दमयंती ने कहा कि मैं यहां रह तो जाऊंगी, पर मेरी 3 शर्तें हैं। मैं झूठा नहीं खाऊंगी, पैर नहीं धूंगी और पर पुरुष से बात नहीं करूंगी। राजमाता ने कहा, ठीक है हमें तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। उधर जिस समय राजा नल दमयंती को सोता छोड़कर आगे बढ़े थे, उस समय आगे वन में आग लगी थी। तभी नल को किसी के चिल्लाने की आवाज आई। यह आवाजें सुनकर राजा नल शीघ्र ही उस तरफ दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नागराज कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। उसने नल से कहा, राजन मैं करकोटक नाम का सर्प हूं, मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था। उन्होंने शाप दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें न उठाए तब तक यहीं पड़े रहना, उनके उठाने पर ही तो शाप से छूटेगा। उनके शाप के कारण मैं यहां से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। तुम इस शाप से मेरी रक्षा करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे वजन से मत डरो, मैं अभी हल्का हो जाता हूं और देखते ही देखते नागराज अंगूठे के बराबर हो गया। इसके बाद नल उसे उठाकर जंगल से बाहर ले आए। फिर कारकोटक ने कहा, तुम अभी मुझे जमीन पर मत डालना, कुछ कदम गिनकर चलो। 123 करते हुए राजा नल ने यूं ही पृथ्वी पर 10 कदम रखा, तभी करकोटक ने उसे डस लिया। उसका नियम था कि जब भी कोई 10 बोले तब वह डसता था। ये देख राजा नल अचंभित रह गए। महाराज तुम्हें कोई पहचान न सके, इसीलिए मैंने 10 के तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया, अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है, मेरे विष के कारण तुम्हें हिंसक पशु पक्षी या फिर शत्रु का भी कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। यह कहकर करकोटक ने नग्न राजा को 2 दिव्य वस्त्र भी दिए और फिर वहां से अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद राजा नल वहां से 10 दिनों तक चलते हुए राजा रथुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंचे। फिर उन्होंने दरबार में पहुंचकर राजा से कहा, मेरा नाम बाहुक है, मैं घोड़ों को हांकने और उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूं। घोड़ों की विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई भी नहीं। रसोई बनाने में भी मैं निपुण हूं, आप कृपया करके मुझे काम पर रख लीजिए। उसकी बातें सुनकर राजा रथुपर्ण ने बाहुक से कहा, बाहुक मैं तुम्हें सारा काम तो सौंप दूंगा,
लेकिन मैं शीघ्रगामी सवारी को विशेष पसंद करता हूं। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मोहरें मिलेंगी, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। राजा नल मान गए। इसके बाद अयोध्या रहते हुए राजा नल रोज दमयंती को याद करते और दुखी होते कि दमयंती भूख प्यास से परेशान न जाने किस हाल में होगी। इसी तरह राजा ने सोचते हुए कई दिन बिता दिए। आर्तुपर्ण के पास रहते हुए उन्हें कोई पहचान भी न सका। उधर जब राजा विदर्भ को यह समाचार मिला कि उनके दामाद नल और पुत्री राजपाट विहीन होकर वन में चले गए हैं, तब उन्होंने सुदेव नाम के एक ब्राह्मण को नल और दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश के राज्य में भेजा। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख ही लिया। उस समय राजा के महल में धर्म कर्म का कार्य हो रहा था। दमयंती सुनंदा के साथ बैठकर वह कार्यक्रम देख रही थी। उसी समय सुदेव दमयंती के पास गया और उससे बोला, दमयंती, मैं तुम्हारे भाई का मित्र हूं। मैं तुम्हारे भाई की आज्ञा से तुम्हें यहां ढूंढने आया हूं। दमयंती ने भी ब्राह्मण को पहचान लिए। वे सबका कुशल मंगल पूछने लगे और पूछते पूछते रोने लग पड़े। सुनंदा दमयंती को रोता देख घबरा गई। उसने अपनी माता के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई। राजमाता तुरंत अपने महल से बाहर निकलकर आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, महाराज, ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घर वालों से ये कैसे बिछड़ गई? तब सुदेव ने उनका पूरा परिचय राजमाता को दिया। इसके बाद सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती को स्नान कराया, जिससे उसकी बहू के बीच का लाल चिन्ह चंद्र सम्मान प्रकट हो गया। उसके ललाट का वह तिल देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों ही रो पड़ी। फिर दमयंती अपने पिता के घर चली गई। अपने पिता के घर पहुंचकर दमयंती ने अपनी माता से कहा कि माँ, मैं आपसे सच कहती हूँ, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो आप मेरे पति देव को ढूंढवा दीजिए। रानी ने उसकी बात सुनकर नल को ढूंढवाने के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया। दमयंती ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग जहां भी जाएं, वहां भीड़ में जाकर यह कहें कि मेरे प्यारे छल्लिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़कर चले गए। आपकी दासी उसी अवस्था में आपका इंतजार कर रही है। ब्राह्मण गण नल को ढूंढने निकल पड़े। बहुत दिनों के बाद एक ब्राह्मण वापस आया। उसने दमयंती से कहा, मैंने राजा रथुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में आपकी बात दोहराई तो किसी से कुछ जवाब नहीं मिला, लेकिन जब मैं वहां से वापस आने लगा तब बाहुक नाम के एक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया। बाहुक शरीर से कुरूप और उसके हाथ छोटे छोटे थे। वह लंबी सांस लेकर रोता हुआ मुझसे कहने लगा, उच्च कुल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं तो फिर भी वे अपने शील की रक्षा करती हैं। त्याग करने वाला पुरुष उस समय विपत्ति के कारण दुखी और अचेत था, इसीलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर भी उड़ गए। जब ब्राह्मण ने यह बातें दमयंती को बताई तो वह समझ गई कि वे राजा नल ही हैं। ब्राह्मण की बातें सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर गए। रोते हुए उसने अपनी माता को सारी बात बताई। तब दमयंती की माता ने कहा कि यह बात वह अपने पिता से न कहे, मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम के लिए भेजती हूँ। तब दमयंती ने सुदेव से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप जल्दी से जल्दी अयोध्या नगरी पहुंचे और वहां पहुंचकर राजा रथुपर्ण से कहना कि दमयंती फिर से स्वेच्छानुसार पति का चुनाव करना चाहती है। वहां बड़े बड़े राजा और राजकुमार आ रहे हैं और स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसीलिए अगर आप पहुंच सकें तो वहां चले जाइए। नल के जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है, इसीलिए राजकुमारी दमयंती कल सूर्योदय से पहले ही पति का वरण करेगी। दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए और उन्होंने राजा रथुपर्ण से ये सब बातें कह दी। सुदेव की बातें सुनकर राजा ने बाहुक को बुलाया और कहा, बाहुक, कल दमयंती का स्वयंवर है और हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना है। आर्थुपर्ण की बातें सुनकर जैसे नल का कलेजा ही फट गया। सोचा कि दमयंती ने दुखी और अचेत होकर ही यह कदम उठाया होगा। संभव है वह दूसरा विवाह करना चाहती है। फिर नल ने शीघ्रगामी रथ में 4 श्रेष्ठ घोड़े जोड़ दिए। राजा रथुपर्ण रथ पर सवार हो गए। रास्ते में रथुपर्ण ने राजा नल को पासों पर वशीकरण की विद्या सिखाई, क्योंकि उसे भी घोड़ों की विद्या सीखने का लालच था। जिस समय राजा नल ने यह विद्या सीखी उसी समय कलयुग राजा नल के शरीर से बाहर आ गया। कलयुग ने नल का पीछा छोड़ दिया था लेकिन अभी उनका रूप नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हांका
और शाम होते होते वह विदर्भ देश पहुंच गया। राजा भीष्मक के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने आर्थुपर्ण को अपने यहां बुला लिया। आर्थुपर्ण के रथ की गूंज से दिशाएं गूंज उठी। दमयंती रथ की घर घराहट से समझ गई कि जरूर इसको हांकने वाले मेरे पतिदेव ही हैं। यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं आग में कूद जाऊंगी। इसके बाद अयोध्या नरेश रथुपर्ण जब राजा भीष्मक के दरबार में पहुंचे तो उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। भीष्मक को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि वे स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहां आए हैं। जब आर्थुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी नहीं देखी तो उन्होंने स्वयंवर की बात दबा दी और कहा, मैं तो सिर्फ आपको प्रणाम करने चला आया। भीष्मक सोचने लगे कि 100 योजन की दूरी से कोई प्रणाम करने तो नहीं आ सकता। उधर बाहुक वार्ष्णेय के साथ अश्वशाला में घोड़ों की सेवा में लग गया। दमयंती आकुल हो गई कि रथ की ध्वनि तो सुनाई दे रही थी पर मेरे पति के कहीं भी दर्शन नहीं हो रहे। तब उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी तू जा। और इस बात का पता लगा कि वह कुरूप सा पुरुष कौन है। संभव है कि वही मेरे पति देव हो। तब दासी ने बाहुक से जाकर पूछा, राजा नल कहां है और क्या तुम मुझे जानते हो या तुम्हारा सारथी वार्ष्णेय जानता है? फिर बाहुक ने कहा, मुझे उसके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं, सिर्फ इतना ही पता है कि इस समय राजा नल का रूप बदल गया है। वे छिप कर रहते हैं, उन्हें स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या फिर उनकी पत्नी दमयंती, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहते। अब दमयंती ने दासी का जवाब सुना तो उसकी आशंका और बढ़ गई कि यही राजा नल है। उसने दासी से कहा, तुम फिर बाहुक के पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो। उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। जब आग मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देर कर देना। उसका एक एक चरित्र मुझे आकर यहां बताओ। फिर कहे अनुसार वह दासी बाहुक के बहुत से चरित्र देखकर दमयंती के पास वापस आई और बोली, बाहुक ने हर तरह से अग्नि जल व थल पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष नहीं देखा। तब दमयंती को विश्वास हो गया कि वह बाहुक ही राजा नल है। तत्पश्चात दमयंती ने यह सारी बात अपनी माता को जाकर बताई और कहा, अब मैं स्वयं उस बाहुक की परीक्षा लेना चाहती हूँ, इसीलिए आप बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दीजिए। आपकी इच्छा हो तो पिताजी को बता दीजिए। रानी ने अपने पति भीष्मक की अनुमति ली और बाहुक को रानी बाग बुलवाने की आज्ञा दी। दमयंती ने बाहुक के सामने फिर सारी बात दोहराई। तब दमयंती की आंखों से आंसू टपकते देखकर नल से रहा नहीं गया। नल ने कहा, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं छोड़ा, न ही जुआ खेला। ये सब कलयुग की करतूत थी। ये सुनकर दमयंती रोती हुई बोली कि मैं आपके चरणों को स्पर्श करके कहती हूँ कि मैंने कभी भी किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने भी अपना संदेह छोड़ दिया और कर्कोटक नाग के दिए वस्त्रों को अपने ऊपर उड़कर उसका स्मरण करके वह फिर अपने असली रूप में आ गए। फिर दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया। दमयंती के मायके वालों ने उन्हें खूब धन देकर विदा किया, जिसके बाद नल दमयंती अपने राज्य वापस पहुंचे। राजा नल ने जब पुष्कर से फिर से जुआ खेलने को कहा तो वह खुशी खुशी तैयार हो गया, क्योंकि नल रथुपर्ण से पासों पर वशीकरण करना सीख चुका था। नल ने जुए की हर बाजी को जीत लिया और इस तरह नल दमयंती को फिर से अपना राज्य और धन प्राप्त हो गया। तो मित्रों, यह थी रोचक कथा नल और दमयंती के प्रेम की, जो कई सवाल अपने पीछे छोड़े जा रही है। क्या आपके भी इस कथा को लेकर कुछ प्रश्न है? अगर है तो नीचे कमेंट में हमसे साझा करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। साथ ही ऐसी और भी पौराणिक कथाओं के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।